नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। एंटी नारकोटिक सेल ने 703 किलो एमडी ड्रग्स जब्त की। एएनसी ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 पुरुष एक महिला भी शामिल। ये आरोपियों पर एनडीपीएस के एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये ड्रग 1,403 करोड़ कीमत की बताई जा रही है। आरोपी मानखुर्द, घाटकोपर, गोवंडी, नाला सोपारा के रहने वाले हैं। ये ड्रग्स सोशल मीडिया टेलीग्राम पर बेचा जा रहा है। ज्यादातर ड्रग्स मुंबई और उसके आसपास शहरों में सप्लाई किया जा रहा था। ये गिरोह 25 किलो से ज्यादा की मात्रा में सप्लाई करते थे। एंटी नारकोटिक सेल ने कहा, ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री और इस मामले में अंडरवर्ल्ड लिंक जांच कर रही है। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। 29 मार्च को ANC के वर्ली यूनिट ने केस रजिस्टर किया था, जिस केस में एक एक्यूज को 250 ग्राम्स ऑफ मेफेड्रॉन के साथ अरेस्ट किया गया था। इसी केस की सप्लाई लिंक पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया, जिसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और 4 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है। और जो 5th नंबर का एक्यूज है, उसके पोजेशन से टोटल 703 केजीज ऑफ मेफेड्रॉन सीज किया गया है। और इस पे अभी बाकी इसकी सप्लाई लिंक और फाइनेंशियल एंगल और अदर एंगल्स पे इन्वेस्टिगेशन शुरू है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि 5th नंबर का एक्यूज है, वो खुद प्रोड्यूस करता था और अलग अलग सोशल मीडिया के ऐप्स का इस्तेमाल करके खुद की आइडेंटिटी छुपा के इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। सर, दो चीज़ें। पहला तो ये जो जब किया गया है ड्रग्स, ये कहाँ से किया गया है? क्या कोई जगह थी, फैक्ट्री थी, या फिर कोई ऐसा घूमनी जगह बनाई गई? और दूसरा, बाजार में अगर इसकी कीमत आकी जाए तो एक आंकड़ा क्या निकल गया है? पहले तो इसकी कीमत जो है, वो हमने जो प्राइस कोट की है, वो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस है। ये मैक्सिमम प्राइस इसकी जा सकती है, इस प्रकार की प्राइस है। इंडियन मार्केट की प्राइस हम असर्टन कर रहे हैं, वो तो हमें इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा कि एक्चुअल क्या प्राइस से ये बेचा जा सकता था, ये कॉन्ट्राबैंड जो है। दूसरा, ये कॉन्ट्राबैंड मुंबई के आउटस्कर्ट्स में कहीं पर एक्यूज मैन्युफैक्चर कर रहा था। मैन्युफैक्चरिंग का लोकेशन और उसकी जो मॉडल्स है, उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। और ये डंप करके फिर एक्यूज की तरफ से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, मार्केट में बेचा जाता था। क्लाइंट बेस इनका किस प्रकार का था? कस्टमर टारगेट, आर दे सप्लाइंग टू इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट? ठीक, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में इतना ही पता चला है कि लोकली इसका सर्कुलेशन किया जाता था, लेकिन जो सर्कुलेशन है वो बड़ी क्वांटिटी में किया जाता था, ना कि जो कस्टमर को किया जाता है छोटी मात्रा में, उस प्रकार का नहीं था। चलेगा दे देंगे, वो ग्रुप पे डाल देंगे, वो वीडियो फोटोज और एक्यूज के भी वीडियोज आपको जो चाहिए वो दे देंगे।